अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूँ। आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। खूबसूरत, नरम, मुलायम, गुलाब की पंखड़ी की तरह के सुर्ख गुलाबी होंठ पाना हर बंदे की ख्वाहिश। कलर है वो डल पड़ जाता है, डार्क पड़ जाता है, जो देखने में फिर बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स। उसके लिए ये होता है कि आप डिफरेंट तरह की महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, महंगी महंगी चिपस्टिक्स, लिपस्टिक्स, या फिर डिफरेंट तरह की जो मॉइस्चराइजिंग, या फिर जो लिप्स को पिंक एंड जो रेड बनाने की जो क्रीम्स होती हैं या ट्रीटमेंट्स होती हैं वो करवाते हैं, लेकिन उसके इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप अपने होंठों को सुर्ख गुलाबी और गुलाब की पंखड़ी की तरह के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको होंठों को खूबसूरत बनाने वाली, होंठों को गुलाबी बनाने वाली, होंठों को पिंक बनाने वाली, होंठों को गुलाब की पंखड़ी की तरह के नरम मुलायम, नरम नाजुक बनाने वाली ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको काले, बदरंग, रफ, डल एंड ड्राई लिप्स को खूबसूरत, नरम मुलायम, चमकदार और इन गुलाब के फूल की पंखड़ियों की तरह सुर्ख और गुलाबी बनाने के लिए जो आपको एक होममेड ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, तो फ्रेंड्स उस ट्रीटमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रेंड्स। उसके लिए तो आपको चाहिए जस्ट थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध आप लीजिएगा, एक दो चम्मच आपको चाहिए होंगे, वो काफ़ी हैं एक दो चम्मच। साथ में फ्रेंड्स आपको चाहिए होंगी गुलाब की ताज़ा पत्तियां। गुलाब की ताज़ा पत्तियां आपको 5-7 रुपए की मिल जाएंगी फ्रेंड्स। आप पत्तियां लेने के बाद इनको अच्छी तरह धो लीजिएगा और उसके बाद इन्हें किसी बाउल में डाल लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बनाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आपने एक हवन दस्ता लेना है, हवन दस्ते में आपने गुलाब की पत्तियाँ डालनी है और उसमें फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा दूध डालना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, आपने इसे इतना मिक्स करना है कि ये जो गुलाब की पत्तियां हैं और जो दूध है ये एक पेस्ट बन जाए, बिल्कुल एक इस तरह स्मूथ है, क्रीमी पेस्ट होता है ना, उस तरह स्मूथ एंड क्रीमी पेस्ट बन जाए, क्योंकि जितना स्मूथ और क्रीमी होगा उतना ही आपके लिप्स पे जल्दी असर दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये पेस्ट जो है तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसे किसी बाउल में डाल लेते हैं तो फ्रेंड्स, लिप्स को खूबसूरत, नरम मुलायम और गुलाब की पंखड़ी की तरह सुर्ख और गुलाबी बनाने वाली जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसको लिप्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने इसे लिप्स पे किस तरह, कितनी देर और किस टाइम अप्लाई करना है फ्रेंड्स। लिप्स को खूबसूरत, नरम मुलायम, गुलाब की पंखड़ी की तरह की नाजुक और सुर्ख गुलाबी बनाने वाली जो ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखेंगे इस कलर में है फ्रेंड्स। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रेंड्स। इसमें जस्ट आपने जो है थोड़ा सा दूध डालना है और गुलाब की पत्तियाँ ऐड करनी है, इसमें अदर कोई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। इसके लगाने का तरीका इस बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने लगाना इसे इस तरह होगा कि रात को सोने से पहले आपने अपने लिप्स को अच्छी तरह धो के साफ़ कर देना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा जो होता है ना टावल, टावल से अपने लिप्स को थोड़ा सा रगड़ना है, थोड़ा सा रब करना है इस तरह। रब करने के बाद फ्रेंड्स आपने इस तरह ये जो है ये गुलाब की जो क्रीम है दूध के साथ बनी हुई, आपने इस तरह लेनी है और इस तरह अपने होंठों पर इसे रब करना है। फ्रेंड्स ये मॉइस्चराइज़र का काम भी करेगा और जो एक स्क्रबर का भी काम करेगा, मतलब आपके जो लिप्स पे जो डेड सरफेस सेल्स की जो एक लेयर बन जाती है और जो डलनेस और डार्कनेस रहती है उसको रिमूव करेगा और आपके लिप्स को नेचुरल, खूबसूरत, गुलाबी और सुर्ख बनाएगा और नरम नाजुक बनाएगा। इस तरह फ्रेंड्स आप इसे लें फ्रेंड्स। आपने इसका जो मसाज है 2 से 3 मिनट आपने इसका मसाज करना है अपने लिप्स पर अच्छी तरह फ्रेंड्स। अगर आप सोना चाहते हैं तो ये लगा के सो जाएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव इस तरह करेंगे, 2 से 3 घंटे आप इसे सोने से पहले लगाएंगे, उसके बाद सादा पानी से लिप्स धो के आप सो जाएंगे। सुबह जो नॉर्मल फेस वॉश सोप से जो आप यूज़ करते हैं उसे आपने अपना चेहरा धो दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि विद इन फ्यू डेज़ के अंदर, मैं इंशाल्लाह आपको गारंटेड कहता हूँ कि आपके लिप्स जितने भी डार्क हैं, जितने भी डल हैं, जितने भी
ड्राइनेस है आपके लिप्स पे, किसी भी तरह की कोई भी आपकी कोई लिप्स पे कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगी और आपके लिप्स बड़े खूबसूरत चमकते दमकते हुए गुलाब की पंखड़ी की तरह के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।